जनरल अस्पताल मंडी में चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर आज से 2 घंटे की पैनडाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। चिकित्सकों के पैनडाउन स्ट्राइक करने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चली रही। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन मंडी इकाई जिला प्रधान डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि नए वेतन आयोग में चिकित्सकों के साथ नाइंसाफी हुई है। इस बारे में कई बार मुख्यमंत्री को भी अवगत करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक लंबे अरसे से सरकार से वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं और पंजाब सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को भी चिकित्सकों को पूरा वेतन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2015 में बेसिक पे कम बढ़ाई गई और हर डॉक्टर को 10 से 20 हजार तक कम बेसिक पे बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि अब मौजूदा सरकार ने 3 जनवरी के बाद डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर इंश्योरेंस स्कीम बंद कर दी है, इसे भी बहाल किया जाए। आज ये हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इन्होंने 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक पैनडाउन स्ट्राइक रखी है। यह स्ट्राइक प्रदेश की जो संयुक्त संघर्ष कमेटी है उसके आह्वान पे रखी गई है। इस कमेटी में मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन और वेटरनरी एसोसिएशन भी हमारे साथ इस संघर्ष में शामिल है। इस संदर्भ में इस संघर्ष समिति के सदस्य जो है सीएम साहब से भी मिल चुके हैं और नए वेतन आयोग में जो डॉक्टरों के साथ नाइंसाफी हुई है ये सीएम साहब को भी बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए डॉक्टरों ने ये 2 घंटे की पैनडाउन स्ट्राइक रखी हुई है। इस स्ट्राइक के समय जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है वो सुचारू रहेगी। ये स्ट्राइक हमारे डॉक्टरों ने इसलिए रखी है कि पंजाब में जो हमारे डॉक्टर्स को वेतनमान का अपर लिमिट है, सीलिंग जो है वो 2,38,500 रखी हुई है, लेकिन हिमाचल में इसे घटाकर 2,18,600 कर दिया गया है। तो इसलिए हमारे डॉक्टर जो हैं इससे नाखुश हैं। साथ ही जो हमारा NPA है उसे 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है। तो हमारा अनुरोध है कि हमारे जो ये NPA है इसको बढ़ाकर 25% ही रखा जाए और साथ ही जो हमारे केंद्र ने जो NPA अधिसूचना तक दिया है इसे 25% अधिसूचना जारी होने तक दिया गया है, उसके बाद ही इसे 20% किया गया है। लेकिन हिमाचल में जो ये नए वेतन आयोग है इसमें जो NPA दिया जाना है इसका कोई भी फिटमेंट टेबल अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। तो हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि जब तक कि नए ये जो नया NPA की अधिसूचना जो कि जनवरी 2022 में आई है तब तक हमारे डॉक्टर्स को 25% NPA ही दिया जाना चाहिए। साथ ही हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये अपने कैरियर्स में जो मेडिकल ऑफिसर से BMO बनते हैं इस समय इस काल के लिए उन्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर्स को 4/14 दिया गया है, लेकिन अभी इसे 4/14 डॉक्टरों का छीन लिया गया है। इसे भी शीघ्र बहाल किया जाए क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो है BMO की प्रमोशंस हैं ये नहीं हुई है, तो उन्हें जो अपने कैरियर प्रोग्रेशन है उसका मौका नहीं मिल रहा है। तो इस संदर्भ में जो डॉक्टरों का 4/14 है इसे शीघ्र जारी किया जाए। K चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।